हरियाणा पुलिस ने कानून व्यवस्था को बनाने के लिए पुख्ता इंतज़ाम किए हैं और आ, हमारे प्रदेश के पंद्रह ज़िलों में धारा एक लगाई गई है और उसको सही तरीके से लागू करवाने के लिए पुलिस और मिलिट्री फोर्सेस की तैनाती ते, की, की गई है और इसी के चलते जो बैरिकेडिंग है और रूट डाइवर्जनस का एक न, सारा प्रोग्राम बनाया गया है और जो प्रदर्शनकारी हज़ारों की तादाद में हमारे अम्बारा ज़िले और जींद ज़िले से लगते हुए बॉर्डर्स पर इकट्ठे हुए उन्होंने कल भारी पथराव भी किया और बैरिकेड्स को तोड़ने का भी प्रयास किया लेकिन पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने अपना संयम और धैर्य बनाते हुए बनाए रखते हुए इस सारे प्रयास को विफल किया और कम से कम फोर्स यूज़ करके अश्रु गैस और वाटर कैनन का प्रयोग करके स्थिति को नियंत्रण में रखा इस सारे इसके तहत करीब चौंसठ कंपनियां हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस की और करीब 50 कंपनियां हरियाणा पुलिस की तैनात की गई हैं और जो कल पथराव हुआ और जिस तरीके से हमले हुए उसमें दो डीएसपी और करीब दो दर्जन हमारे दूसरे पुलिस कर्मी घायल हुए हैं और कुछ किसानों को भी चोटें लगी हैं लेकिन मैं यही अपील करूंगा सभी से कि कानून का पालन करें बैरिकेड्स को तोड़ने का प्रयास करना पुलिस पर पथराव करना पैरामिलिट्री फोर्सेस पर हमले करना ये सही नहीं है और आ, कानून के विरुद्ध है कोई भी काम कोई भी व्यक्ति कानून के विरुद्ध जा करके के ना करें कानून को की पालना करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से अपना धरना प्रदर्शन करें और अपनी मांगें रखें तो हरियाणा पुलिस ने आ, कानून व्यवस्था को बनाने के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं और आ, हमारे प्रदेश के पंद्रह ज़िलों में धारा एक लगाई गई है और उसको सही तरीके से लागू करवाने के लिए पुलिस और मिलिट्री फोर्सेज की तैनाती की गई है और इसी के चलते जो बैरिकेडिंग है और रूट डाइवर्जेंस का एक सारा प्रोग्राम बनाया गया है और जो प्रदर्शनकारी हज़ारों की तादाद में हमारे अम्बारा ज़िले और जींद ज़िले से लगते हुए बॉर्डर्स पर इकट्ठे हुए उन्होंने कल भारी पथराव भी किया और बैरिकेड्स को तोड़ने का भी प्रयास किया लेकिन पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज ने अपना संयम और धैर्य बनाते हुए बनाए रखते हुए इस सारे प्रयास को विफल किया और कम से कम फोर्स यूज़ करके अश्रु गैस और वाटर कैनन का प्रयोग करके स्थिति को नियंत्रण में रखा इस सारे इसके तहत करीब चौंसठ कंपनियां हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस की और करीब पचास कंपनियां हरियाणा पुलिस की तैनात की गई हैं और जो कल पथराव हुआ और जिस तरीके से हमले हुए उसमें दो डीएसपी और करीब दो दर्जन हमारे दूसरे पुलिस कर्मी घायल हुए हैं और कुछ किसानों को भी चोटें लगी हैं लेकिन आ, मैं यही अपील करूंगा सभी से कि कानून का पालन करें बैरिकेड्स को तोड़ने का प्रयास करना पुलिस पर पथराव करना पैरामिलिट्री फोर्सेस पर हमले करना ये सही नहीं है और कानून के विरुद्ध है कोई भी काम कोई भी व्यक्ति कानून के विरुद्ध जा के ना करे कानून को की पालना करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से अपना धरना प्रदर्शन करें और अपनी मांगें रखें